नमस्कार दोस्तों, एवन क्रिक स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो क्रॉसओवर के बारे में। क्रॉसओवर एक ऐसा टर्म है जो डीजे जो लोग बजाते हैं और बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं रहता है क्रॉसओवर क्या है। आज मैं बहुत ही सिंपल सी जनरल पब्लिक के लैंग्वेज से समझाऊंगा कि क्रॉसओवर क्या होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है, छोटा सा है। तो उसके लिए हमको पहले ऑडियो सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। आप ये तीन चीज को तो पहचानते होंगे, ये वाला ट्विटर है और ये वाला आपका स्पीकर है और ये आपका बेस स्पीकर है। तो ये तीनों को तो आप पहचानते हैं, ये आपको सब ऑफर है ये आपका। तो ये तीनों चीज कहाँ पे लगता है? आप सबको पता है कि ये जो ट्विटर है ये ट्रिबल देता है और हाई, जिसको आप बोलते हैं हाई हाई फ्रिक्वेंसी, यही है ये हाई फ्रिक्वेंसी जो चीज है इसमें बजता है। उसके बाद तीन कैटेगरी हमने किया। उसके बाद ऑफर जो है वो स्पीकर, जो नॉर्मल स्पीकर रहता है वो मिड फ्रिक्वेंसी में बजता है, मिड फ्रिक्वेंसी। और उसके बाद जो लो सब ऑफर रहता है लो फ्रिक्वेंसी में बजता है, मतलब ये बस बेस देगा। जब आप ये तीनों को आप एक सेट में लगा देते हैं, जैसे बेस का कोई स्पीकर हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बस बेस आएगा डीजे में, जो बेस आने के लिए बेस का जो स्पीकर है बस इसमें, बस आपका ये स्पीकर में आपका बस बेस आएगा। और ये इसमें आप ट्विटर में जो ट्रिबिल टाइप का रहता है, हाई जो रहता है बहुत बहुत हाई टाइप का, ची ची इस टाइप का आएगा जो ये ट्विटर में आएगा। आपको तो पता है जो लोग ट्विटर यूज करते हैं, अगर खाली या कोई साउंड आप ट्विटर में बजाएंगे ना, ची 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 करके से आएगा। और जो स्पीकर है वो नॉर्मल, जो एक्चुअली जो गाना है जो भी है इसमें एक्चुअली वो स्पीकर में ही बजता है। लेकिन आप सबवूफर को अगर खाली लगाएंगे तो आपको पता होगा बस इस टाइप का बस बेस ही आएगा, तो स्पीकर आपको गाना सुनाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत याद, मतलब अभी पता चल गया होगा कि ये तीनों का काम क्या है। तो पहले ट्विटर का काम होता है जो ट्रिबल रहता है, जो हाईज रहता है हाई फ्रिक्वेंसी, वो इसमें बजता है। उसके बाद ऊपर आ गया जो कि आपके स्पीकर बजता है, जिसको मिड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और नीचे तीन नंबर जो है वो सब ऊपर, जो बेस लो फ्रिक्वेंसी में बजता है। अब थोड़ा बहुत क्रॉसओवर के बारे में पता कर, ये तीनों तो आपको पता हो गया। चलिए अब क्रॉसओवर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्रॉसओवर का काम क्या होता है? हमारा जो हाई मिड और लो, हाई मतलब आपको मैं बोल दिया ट्विटर में बजेगा, मिड मतलब ये बजेगा स्पीकर में, लो मतलब सब ऊपर में बजेगा जो कि बेस आएगा। लो में जब आप कोई गाना लो में गाते हैं, अब हाई, इसको अगर हाई में गाएंगे ये हाई आ गया, ये ट्विटर में ये ऐसे ही आएगा। और मिड जो है नॉर्मल, जैसे हम लोग आ, 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 अब देखो तीनों को मैं आपको थोड़ा सुना के बता देता हूँ। अगर आप बेस में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? या आ को आ, 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 और इसको अगर अब हाई मिड में इसको अगर गाएंगे तो मैं सिंगर नहीं हूँ, बात हूँ सिंगर, बस आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि बेस क्या होता है। बेस मतलब लो फ्रिक्वेंसी, और मिड मतलब जो स्पीकर जब नॉर्मल गाना रहता है, हाई मतलब जिसको आप बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वो है ट्रिबल, मतलब बहुत ज्यादा ची टाइप का, जो जिनको पता है, जिन लोगों को पता नहीं मैं इसीलिए सब छोटे छोटे चीज के लिए बता रहा हूँ। और ये साइड पे आपको सिंगल इनपुट वाला क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे इन है आउट है। तो आप देख सकते हैं क्रॉसओवर एक जनरल छोटा वाला क्रॉसओवर है जो कि आपकी कार ऑडियो सिस्टम में लगता है। और अगर बड़ा होगा तो, बड़ा होगा तो कैसे ये चीज क्या करता है? आप अब क्या करता क्या है क्रॉसओवर? क्रॉसओवर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको आप एक सिंगल इनपुट देते हो, मतलब मिक्सर का जो मतलब आउटपुट लाइन में आया आया मिक्सर से जो निकला आपका, ध्यान से सुनिए, जो चीज आपके मिक्सर से निकला जो आउटपुट, चाहे एक्सएलआर का आप निकालो, मोनो का निकालो, स्टेरियो का निकालो, कुछ भी निकालो, आरसीए का निकालो, जो भी आउटपुट आपके मिक्सर से निकला वो जाएगा क्रॉसओवर के एक इनपुट पे। अब क्रॉसओवर का काम क्या होता है? ये तीनों एक सिग्नल से वो क्या करेगा, उसको तीन डिवाइड करेगा, हाई को अलग करेगा, मिड को अलग करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को अलग करेगा। मतलब आपकी सीधी सी भाषा में आप अगर बोलेंगे, वो एक जो ट्रिबिल वाला सप्लाई, ट्रिबिल को अलग करेगा, स्पीकर चीज को अलग करेगा और जो बेस है उसको अलग करेगा। एक इनपुट आपने दिया, उसके अंदर जो हाइज रहेगा मतलब जो ट्रिबिल रहेगा वो निकाल देगा अलग,
और उसको वो ट्विटर को दे देगा, है ना। और दूसरा जो बचा मिड, मिड सेक्शन स्पीकर को दे देगा, और जो लो रेंज का जो चीज रहा, बेस रहा, वो आपके सबवूफर में जाएगा। तो आपको अभी थोड़ा बहुत पता चल गया कि साउंड सिस्टम, इसीलिए ट्विटर, ऊपर और सबवूफर लगते हैं। ये तीन चीज डीजे के लिए बहुत जरूरी है। डीजे में आप जब बजाते हैं तो आपको तीन चीज की जरूरत होती है, ट्विटर जो कि ट्रिबिल देगा, ऊपर जो कि आपकी नॉर्मल जो गाना है वो बजाएगा, सबवूफर जो आपको बेस देगा। तो इसमें आपको ट्विटर, ऊपर, सबवूफर, उसके साथ क्रॉसओवर के बारे में इस वीडियो में पूरा ज्ञान आपको मैं सोचता हूं कि मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमको आप जरूर कभी भी पूछ सकते हैं। ये क्रॉसओवर इसका काम है, आपको जो इनपुट, एक इनपुट मिक्सर का जाए उसमें इन होगा और उसमें वो तीन डिवाइड कर देगा, सेपरेट कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी को, मिड फ्रिक्वेंसी को, लो फ्रिक्वेंसी को। इस तरह मतलब है, और एक बार अगर बताया जाए तो ट्रिबल, बेस और स्पीकर, ये तीनों को अलग करेगा और वो तीनों से आप अपना स्पीकर पे दे सकते हो। ट्रिबल को ट्विटर में देना है और नॉर्मल जो मिड, मिड में आपको लगाना है स्पीकर्स, लो में लगाना है सबवूफर। तो अभी आपको पता हो गया होगा क्रॉसओवर का काम क्या है। अगर क्रॉसओवर नहीं रहेगा, आप अगर बेस को सीधा जाके लगाएंगे तो वो आपको वो इतना इफेक्ट नहीं मिला। इसलिए बेस अलग बजता है डीजे में, मिड अलग सेक्शन अलग बजता है, हाई अलग बजता है, और उसको मिक्स करके आपको जो सुनाई देता है डीजे, डीजे। सो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता, मुझे लगता है कि आपको क्रॉसओवर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कोई भी डाउट है जल्दी से पूछिए, और हमारे इस चैनल को, खूबसूरत चैनल को आपको याद रखिए, ये चैनल है हमारा A1 के स्टूडियो, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चैनल हमारा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर कर लीजिए। शेयर के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत मुश्किल होती है कि जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत छोटा सा थ्योरी है क्रॉसओवर, लेकिन वार्ड क्रॉसओवर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत छोटा सा चीज है। चलिए इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, A1 के स्टूडियो को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसा कुछ ट्यूटोरियल्स को लेके। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।